नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान जब मुकाबले में आमने सामने आए तो रोमांच एक बार फिर से अपने चरम पर था। विराट कोहली ने इस मैच में अर्धशतक ठोका, जबकि ऋषभ पंत ने भी एक शानदार इनिंग खेली। उन्होंने इस मैच में 39 रन बनाए और भारतीय उम्मीदों को उन्होंने जीवंत रखा। इस मैच में उन्होंने 12वें ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ रही। दरअसल ऋषभ पंत जिसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मैच में वही कारनामा किया। उन्होंने एक हाथ से छक्का लगाया, वो भी एक नहीं, लगातार दो छक्के उन्होंने केवल एक हाथ से जड़ दिए। ये ओवर था हसन अली का और पाकिस्तान अपनी पारी का 12वां ओवर फेंक रहा था। ये दूसरी और तीसरी गेंद थी जब ऋषभ पंत ने ये कारनामा किया। जब उन्होंने छक्का लगाया तो दर्शक देखते ही रह गए। हालांकि ऋषभ पंत अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए, 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन 11.2 ओवर और 11.3 ओवर की गेंद पर जिस तरीके से उन्होंने छक्का जड़ा, उसने फैंस का दिल खुश कर दिया। अब भारत चाहेगा कि ऋषभ पंत की इस पारी को एक अच्छे तरीके से, भारत अब जब 152 रन पाकिस्तान बनाने उतरेगा तो वो चेस ना कर पाए और ऋषभ पंत की ये पारी भी इस मैच के साथ ही अमर हो जाए। फिलहाल ऋषभ पंत ने जिस तरीके से ये छक्के लगाए हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं।